बढ़ते आगे, भोपाल में आज कोलार लाइन से सप्लाई नहीं होगी। आज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगा पंप हाउस, इस वजह से शाम तक नहीं हो सकेगा पानी सप्लाई, 20% आबादी को होगी परेशानी। तो आज कोलार फिल्टर प्लांट कैंपस में स्थित क्लियर वाटर पंप हाउस में होगा मेंटेनेंस का काम, और कई इलाके ऐसे हैं जिन पर असर पड़ेगा, वो हैं आरत नगर, रेशम केंद्र, पिंजोमल, धर्मशाला, चौकसी नगर, कांग्रेस नगर, जेपी नगर, ग्रीन पार्क, शांति नगर, बाल विहार, शाहजहानाबाद, अरेरा कॉलोनी, E6, सूरज नगर, नया बसेरा, DRP लाइन, राहुल नगर, शास्त्री नगर, वहीदिया स्कूल, इब्राहिमपुरा आदि शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारी, पीएम मोदी की सभा के लिए लगभग 1.5 लाख लोगों की भीड़ जुटाएगी बीजेपी। रायपुर की 4 विधानसभा क्षेत्रों से आएगी भीड़, दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जिले में भी कार्यकर्ता की आएगी भीड़। साइंस कॉलेज मैदान में युद्ध स्तर पर कार्य हो रहा है निर्माण, और पीएम मोदी के 3 हेलीकॉप्टरों के लिए कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड का हो रहा है निर्माण। 1 महीने में जनसंपर्क अभियान के बाद 7 जुलाई को पीएम मोदी देंगे स्वागत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेतृत्व में ने संभाली है चुनाव की कमान। पीएम मोदी सुबह 9:45 पर पहुंचेंगे रायपुर, शासकीय कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। साइंस कॉलेज मैदान में लगभग सुबह 10:30 करेंगे सभा को संबोधित। बैठकों के माध्यम से बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को दी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव की कमान संभाली है। बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है। बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। अधिक जानकारी लेते हैं, संवाददाता जगजीत फोन लाइन पर हैं। जगजीत, बीजेपी ने अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है, क्या कुछ रणनीति आगे भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए ममता, मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी अब 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं, और रायपुर साइंस कॉलेज में उनका पूरा कार्यक्रम बन रहा है, और रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों भीड़ को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जिले के कार्यकर्ताओं की भी भीड़ आएगी। देखिए साइंस कॉलेज मैदान में जहां पर से आम सभा संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। देखिए युद्ध स्तर पर कार्य का निर्माण किया जा रहा है, और पीएम मोदी 3 हेलीकॉप्टरों के लिए कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड का निर्माण भी किया जा रहा है। 1 महीने के जनसंपर्क अभियान के बाद 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी कई सौगातों का ऐलान भी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से, इस पे भी सबकी नजर है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं ने अब जिस प्रकार से चुनावी कमान संभाली है, पीएम मोदी लगभग 7 जुलाई को 9:30 रायपुर पहुंचेंगे, और शासकीय कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, और बैठकों के माध्यम से बीजेपी अलग अलग नेताओं को तमाम जिम्मेदारी भी दे रही है कि आप इस कार्य को संभालेंगे, आप उस कार्य को संभालेंगे। तो लगातार इस बात से समझा जा सकता है, चुनावी वर्ष है, 2023 में आमसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ये जो लगातार छत्तीसगढ़ में केंद्रीय दल के लोगों के जो लगातार दौरे कार्यक्रम बन रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से विधानसभा और लोकसभा चुनाव दोनों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी मम, आप बनी रहिए जगजीत, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।